सो हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हो? बढ़िया, एकदम मस्त होना चाहिए। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे, भाई लोग पे। अब भाई लोग हम लोग हैं तो आप लोग कुछ हम लोग कुछ नए नए चैप्टर्स लेकर आते रहते हैं। हम लोग आपके लिए साइंस मैथ लेकर आएंगे सब्जेक्ट्स। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं साइंस का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमने दो लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं और हम आज थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं। अब दो लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट कवर किया, उसमें साइंस कौन कौन से हैं आपके चैप्टर में हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओके, ये हमारा लेक्चर थर्ड है जहाँ पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम देखेंगे फॉर्मूलाज, इसकी मतलब ये यूज़ कहाँ पर इसको हम कर रहे हैं, इसके अंदर फॉर्म इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपने भाई लोग से तो मिल लोगे, लेकिन थोड़ा हम लोग से मिलोगे, हमको कुछ मतलब कुछ गिफ्ट नहीं दोगे, तो आप गिफ्ट के रूप में हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब दे दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अभी आपके लिए एक वीडियो हमने रखा है लास्ट में, आपके बहुत अच्छे वाले भैया का है। ठीक है, वो आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, आपको गेमिंग वाले भैया हैं। ठीक है, उनका मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो एक, उसको ध्यान सुनना और वो काम ज़रूर करना आप लोग। ठीक है, चलते हैं अपने, हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा उसकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या देखते हैं, देखते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था, हम वो देख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं हम ओम्स लॉ की, तो इसको डिस्कवर किया वो हम देखेंगे, जॉर्ज साइमन ओम। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इनका बर्थ 1827 में हुआ था। आप देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है तो उसमें कोई नॉर्मल बात है नहीं। यहाँ देखो, इनका बर्थ आपको कोई काम नहीं आने वाला, आपको बस इतना याद रखना है कि अच्छा ओम्स लॉ का डिस्कवरी किसने की थी, ओम्स लॉ को खोया किसने था, जॉर्ज साइमन ओम, और ये कहाँ के थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे। अब इन्होंने भाई खोजा क्या था, उन्होंने खोजा था कि ओम्स लॉ वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे सर्किट में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ेगा, हमारा करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। मैं आपको दिखाता हूँ और इजीएसटी में। अब उनको ना थोड़ा दिक्कत हो गई थी, उनको क्या हुआ कि उन्हें लगा, अरे यार ये जो प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पर जो सिंबल हम यहाँ पर साइन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो हमें थोड़ा दिक्कत आएगी। तो उन्होंने क्या क्या काम किया, वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट रख दिया। वो कॉन्स्टेंट आपका कौन सा है, आपका कांस्टेंट है आर। अब आर मतलब रेजिस्टेंस, अगर आपको कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी, उसके अंदर जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपोज करने में उसको रोकेंगे, तो वही हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। या फिर आपका रेजिस्टेंस कोई बल्ब हो गया, वायर हो गया, कोई डिवाइस हो गई, आपका फ़ोन ही हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका एसी हो गया, ये सभी आपके आएंगे रजिस्टर में, रजिस्टेंस में। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसको हमने अगर यहाँ पर आर रख दिया, तो उन्होंने पर्सनैलिटी जैसे जब सिंबल हटाया, उन्होंने एक बनाया फॉर्मूला। वो तो फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये उन्होंने उन्होंने रखा वी इज इक्वल टू आई आर। उन्होंने ये फॉर्मूला किया क्रिएट। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप कई तरह से लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने आर को इधर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वी बाई आर इज इक्वल टू आई। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि जो हमारा आर है वो आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा आई घटेगा। आई मतलब करंट, मान लो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, तो क्या होगा, करंट रुकेगा ना इसे। अब वहीं अगर हमारे पास
रेजिस्टेंस कम हो गया। आप इसको एक इस तरह देखो, आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे कोई भी गड्ढे कंकड़ नहीं है, तो आप खुद तेज खूब आप खुद तेज जाओगे, आप कुछ फास्ट जाओगे, लेकिन वहीं पे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंकड़ और गड्ढे क्या है, कंकड़ और गड्ढे रेजिस्टेंस है, और आप क्या हो, आप आई हो, आपको करंट, और वो कंकड़ गड्ढे क्या है, रेजिस्टेंस है। और अगर कंकड़ गड्ढे रोड पर हैं तो क्या आप सही ट्रेवल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सही ट्रेवल। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि आर हमारा बढ़ गया तो हम आई घट गया हमारा। अब वहीं पर हम क्या देखते हैं, अगर हमारा रेजिस्टेंस घटता है, आप वही हाईवे पर देखो, हाईवे पे, हाईवे पे आपको आपको गड्ढे कम मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, आप स्पीड से जाते हो, है ना। तो मतलब यहाँ पर इसका हम इसको यहाँ पर कैसे कर पा रहे हैं रिलेट, कर पा रहे हैं रिलेट, हमारा आर घटा मतलब गड्ढे कम हुए, हमारा रेजिस्टेंस कम हुआ, हमारा आई बढ़ा, आई हमारा ग्रोथ किया, आई की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, देखते हैं आगे हम इसको, आई थिंक मैं जा रहा डीप जा रहा हूँ, ठीक है आगे देखते हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं एफ आई यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसका सिंबल ये है, जिसको हम ये सिंबल है एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है, इसको हम उससे डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, आगे चलते हैं, आपका आगे आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ है, पर पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है, पर अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करंट है, कोई एक कंपोनेंट है, मतलब कोई एक डिवाइस आपके पास है, उससे आप करंट की करंट को आप चेंज करोगे, लेकिन आपका जो वोल्टेज सोर्स है, मान लो आपका वोल्टेज सोर्स कोई बैटरी है, आप उसको नहीं चेंज करोगे, लेकिन जो करंट का जो चार्ज है आप उसको रेगुलेट कर पाओगे, मतलब आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, आप उसको ज़्यादा कर पाओगे, आप उसको कम कर पाओगे, ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। और आपका रियोस्टैट क्या है, यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, मतलब ये जो रियोस्टैट है इससे हम सर्किट में हम अपने रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पाएंगे, उसको हम चेंज कर पाएंगे। मान लो आपका सर्किट है, आप चाहते हो उसमें जो रेजिस्टेंस वो हाई हो, आप उसको कैसे करोगे, आप रियोस्टैट की हेल्प से उसको आप बढ़ा दोगे या फिर घटा दोगे, यह आपका काम हो जाएगा रियोस्टैट का। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब अगर ये होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस होगा या फिर नहीं होगा। देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में, आई थिंक 12 पॉइंट कुछ करके एक्सरसाइज, वो एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ एक्टिविटी कौन सी थी, अब आप उसे देख लेना। हाँ, एक्टिविटी नंबर 12.33, एक्टिविटी नंबर 12.3 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 12.3 एक्टिविटी आपको दी गई है, ये उसी का कंक्लूजन है कि अगर मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट है वो उस एक्टिविटी से उसको रिलेट किया गया समझाने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मीन्स दैट आप जो कंडक्टर हो, मान लो आपका कंडक्टर वायर है, कोई केबल है, उसकी लेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस पर उसका रेजिस्टेंस निर्भर करेगा। अगर लेंथ ज़्यादा है मतलब उसके अंदर ज़्यादा एटम्स ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जब ज़्यादा एटम्स मॉलिक्यूल हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकेंगे। जब ज़्यादा लोग हैं और एक पर्सन कोई एक आदमी आ रहा है और यहाँ पर एक ये पांच उंगलियाँ हैं, अब ये जाएगा इसको रोकेंगे ना, तो वहीं पर अगर ये इतना चार्ज हो गया और ये एक उंगली हो गई तो क्या रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी ना, ऐसे ही सेम यहाँ होगा कि आपका लेंथ ज़्यादा है पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकेंड नंबर ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, आपका ये लेंथ, आपका ये वायर है, हमने इसको चौड़ा कर दिया, हमने इसको पीट के या फिर किसी भी तरीके से हमने इसको चौड़ा कर दिया, वाइड चौड़ा कर दिया, ये मोटा हमने इसको कर दिया, या फिर आपका जो वायर है वो मोटा है, उस पर
डिपेंड करेगा, मोटा है तब उसके अंदर एटम मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो अपोज करेंगे करंट को। और एक बात, अगर आपको कोई वायर है उसकी लेंथ मान लो 1 मीटर है, आपने उसको पीट के उसको चौड़ा कर दिया, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, उसका जब आपने चौड़ा कर दिया उसके जो मॉलिक्यूल्स उसके जो एटम्स थे वो दूर दूर फैल गए, ठीक है, तो अब उसमें स्पेस हो गया, यहाँ पर क्या है हमारा करंट यहाँ पे और तेज़ी से फ्लो करेगा, लेकिन वहीं पे हमारा कोई एक अदर मटेरियल है लेकिन वो मोटा है तो उसके एटम्स तो फिक्स है ना उस पर ही हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही जाएगा, मतलब वो करंट को अपोज करेगा ज़्यादा। लेकिन बस हमारे पास एक कोई कंडक्टर एक कोई वायर है, हमने उसको किसी तरह का मतलब फिजिकल उस पर प्रेशर देकर हमने उसको वाइड कर दिया तो उसके आइटम्स दूर दूर हो गए, अब उसमें करंट होना और फास्टली फ्लो करेगा। अब आगे देखते हैं ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, उस मटेरियल का नेचर कैसा है, मान लो वो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, इस तरह का, मतलब हमारा वो मटेरियल कौन सा है जिसपे अगर हमारा जिस तरह का रहेगा मटेरियल उस तरह की उसकी रेजिस्टिविटी होती है, मतलब उस हर मटेरियल का अलग अलग होता है ना पावर रोकने का किसी चीज़ को, वैसे यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आफ्टर डूइंग टू मैनी मेजरमेंट्स ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा मेजरमेंट हमने किया, ये जो आपके फॉर्मूला हम यहाँ हमने लिखे हुए हैं, ये जो फॉर्मूला आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सभी फॉर्मूलाज आपके ये इस एक्टिविटी से लिए गए हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी को आप ज़रूर पढ़ना, आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी का है तो पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखो, हमने जब मेजरमेंट्स किए रेजिस्टेंस पर तो वहाँ से हमें मिला गया जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हमने ये एक्टिविटी फाइंड किया था, मतलब मेजरमेंट क्या किया हमने, किया हमने जो एक्टिविटी की है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है तो उसी का एक मेजरमेंट है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो आपका अगर रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ेगा इसमें तो आपका एरिया छोटा हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था। अब यहाँ पर वही फिर काम किया गया, थोड़ा फॉर्मूले को थोड़ा और इजी वे में कर दिया गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पर रियो का यूज़ किया, जिसको आप रो भी बोल सकते हो। अब आपका रो क्या है इसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखो हमें यहाँ पर दो किया क्या गया है, आपको जो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है आर ए आपका रखा गया, यहाँ पर एक कांस्टेंट डाल दिया गया है, रेजिस्टिविटी आपका कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी होगी ना, मतलब वो कितना अपोज करेगा किसी चीज़ को करंट को, उसके अंदर जितनी पावर होगी वो उसको उतना अपोज करेगा, तो उसी पावर एक कांस्टेंट होगा, वो एक कांस्टेंट पावर है तो उसी को उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारा हो गया इजिकल टू रो एल बाई ए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो, अब आप देखो मैं आपको रो से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, रो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मैंने भी बताया आपको आपका आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर रेजिस्टिविटी कितनी है, मतलब वो किसी चीज़ को अपोज कितना कर रहा है, वो करंट को कितना अपोज कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा रो, रो का साइन ये है आपका, रो का साइन ये है, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की, ओम है, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखो आपके पास सब कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको बोल सकते हो मटेरियल्स हैं या फिर कंडक्टर्स, हम अब इनको मान लो, यहाँ पर देखो अलॉय भी है, इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी हैं, आपकी ये सभी की अलग अलग देखो मेजरमेंट है, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी क्या है, अगर हमें इनको यूज़ करेंगे सर्किट में तो ये कितना अपोज करेंगे करंट को, इन सब का अलग 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 मेजर है, ठीक है। तो ये आप इसको या आपको इसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप देख इसको आप कर सकते हो न्यूमेरिकल्स को। आगे देखते हैं, मैंने आपको दिया है गुड कंडक्टर, मतलब कि मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में,
जिनकी रिलेटिविटी 10^-8 से लेकर 10^-7 यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, पर होगा 10^-6 ओम। ठीक है, जिनकी रेजिस्टिविटी इसके बीच में होगी वो हमारे अच्छे कंडक्टर होंगे, या फिर वो एलॉय हैं या फिर वो मेटल हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अपने एलॉय एम सर्किट्स में या फिर अपने हम घरों में जब हम कोई इलेक्ट्रिकल जब सब्सटेंस यूज कर इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं, जो वो बना होता है वो एलॉय का भी बना होता है। एलॉय मतलब क्या है, मतलब वो प्योर मेटल, वो मतलब वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटी मतलब क्या है, वो कई तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ ही हमारा होता है एलॉय। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पोर कंडक्टर कौन कौन से हैं, जिनको हम बोल सकते हैं जिनको हम बोलते हैं इंसुलेटर भी। इनकी रेजिस्टिविटी 10^12 से लेकर 10^17 ओम के बीच में होगी, वो हमारे पोअर कंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर, जैसे हमारा ग्लास हो गया, रबर हो गया। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10^12 से लेकर 10^17 के बीच में आती है। हमारा जो गुड कंडक्टर उसमें कौन आता है, हमारा टंगस्टन हो गया, हमारा वायर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अभी हमने यहाँ पर लिखा जो हमें पढ़ा था। यहाँ पर देखो 1.60 × 10^-8, ठीक है, मतलब उसके बीच में है ना। अब यहाँ पर देखो 6 × 8 यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं किसका है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 देखो यहाँ निकल का 6.84 × 10^-8, ठीक है, इतना ओम है निकल का, तो ये भी उसके बीच में, तो ये हमारा गुड कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन सबकी मतलब रेंज, सबकी मतलब कैपेसिटी अलग अलग है। देखो सिल्वर सबसे कम करता है रेजिस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे ज़्यादा करता है मैग्नीज, आई थिंक करता है, नहीं नहीं मैग्नीज, सिल्वर, मैग्नीज, मर्करी, क्रोमिनियम, आयरन, निकल, टंगस्टन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, इस तरह। ठीक है, क्योंकि देखो छोटे से गया है पर। ठीक, यहाँ पर देखो कि एलॉय में क्या आ गया, ये भी आपको देखो 10^-6 में चल रहा है। यहाँ पर देखो इंसुलेटर क्या, ग्लास का कितना है, 10^10 से लेकर 10^14 तक ये आपके आते हैं, ये आपको ज़्यादा हो गया ना, इसलिए मैंने देखो बस एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके आपके बुक में दिया हुआ है, ये मैं आपको कुछ सॉल्व कर बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के बाद हम लोग अपना लेक्चर 4 लाएंगे, इसमें हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल और सीरीज में देखेंगे हम। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उसके बाद हम देखेंगे। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस अपने न्यूमेरिकल को। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो हमें लगा कि हार्ड होगा, जिसको करने में आपको दिक्कत होगी, हमने आपके लिए वो वाला न्यूमेरिकल उठा लाया आपके लिए। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, एक मटेरियल का वायर है जिसकी लेंथ एल है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है एंड है द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पर जो हमें अभी हमने यहाँ पर देखो एक दिखा था फॉर्मूला, दिखा रहा हूँ आपको ये वाला, ये वाला, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सब कुछ आपको देख देख करना है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। तो हमें क्या कर लेते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 ओम, ओम का शाइन कैसा था, ऐसा था ओम का शाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वॉट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है और लेकिन यहाँ पूछ रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। और सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो जो लेंथ है उसकी वो हाफ हो गई और एरिया ऑफ क्रॉसेक्शन डबल हो गया। देख लेते हैं यहाँ पर, देखो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं साइड में, तो यहाँ पर इसको हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आर इज इक्वल टू, मैं रुक जाता था उतना ही था, ये हमारा लेंथ
वायर की जो लेंथ थी वो हाफ हो गई थी। अब क्या हुआ, जो एरिया क्रॉस सेक्शन था वो क्या हो गया था, वो डबल हो गया था 2a। अब इसको वो हम कितना दिया है, 4 ओम दिया था। जहाँ पर हमने ये आर्क रखा है अपना, यहाँ पर हम कर लेंगे अपना, यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं 4 ओम। अब देखो अगर इसको हम ट्रांसफ़र, अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा, सॉल्व करो इसको, ठीक है। अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा हम आंसर लिख लेते हैं, मैं लिख के दूंगा आपका 1/4 ओम आंसर आएगा आपका। अब यहाँ पर आपका ये इसका आंसर कितना होगा, व्हाट वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द अंदर वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 1/4 ओम, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है 20 मिनट में। अब मिलते हैं आपके मोस्ट फैबुलस भैया से, आपके सर से, आपकी इंस्पिरेशन से। तब तक के लिए, उस वेले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके, पर्सनली इंटरेक्ट करके अपने डाउट सॉल्व करना चाहते हो, अपने मान लो आपको जो क्वेरीज हैं साइंस और मैथ से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। अगर आप प्रीमियर के टाइम पे रहोगे तो आपको प्रीमियर में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और फिर उससे बड़ी बात कि अब तक वीडियो आप कैसा लगा, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करना कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्या आपको समझ नहीं, क्या आपको आया, ठीक है। तब तक मिलते हैं, सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाइक कर देना, मिलते हैं आपके सर से, वो क्या कह रहे हैं, ओके। तो मिलते हैं आप भैया से, इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ओके ठीक है। तो चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा लास्ट लेक्चर में, उसके बाद हम हर एक लेक्चर में पीडीएफ को लिंक पेस्ट कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना चैप्टर का पीडीएफ, ठीक है। तो अपने भाई लोगों को सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक शेयर करते जाओ, और आपके लिए हम थोड़ा कुछ शॉर्ट्स वीडियो कुछ प्लान कर रहे हैं, उसमें हम लेकर आते हैं कुछ दिनों में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टिलन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको अपने डाउट सॉल्व करने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 4।